ज्वाली में 20 अगस्त को निगल पंचायत में पहाड़ दरकने से भारी मलबा आ गया था। उसके बाद क्या हुआ, 20 मकान जमींदोज हो गए। आप सोचिए कितनी बड़ी त्रासदी है। ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। इस दौरान कई लोग अपने घरों से सामान तक नहीं निकाल पाए। कितना कीमती सामान होगा, हमारे घरों में क्या क्या सामान नहीं पड़ा होता जिसे हम निकालने की कोशिश करते हैं। कहीं पर जाना होता है तब एक एक सामान हम याद करके ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सामान भी ये परिवार नहीं निकाल पाया। लोगों के पास रहने के लिए पंचायत का एक स्कूल ही सहारा बना हुआ है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, समझिए इस खबर को। स्थानीय लोग नेताओं से नाराज दिखाई दे रहे हैं, उन नेताओं से जिनको अभी अभी हमने मौका दिया कि वो अपनी बात रखें लोगों के लिए, लेकिन फिर वही राजनीति। लोगों का कहना यह भी था कि उनके सांसद इलाके की कोई जानकारी भी नहीं ले रहे हमारे माध्यम से। हम कहना चाहते हैं अगर ये लोग झूठ बोल रहे हैं तो सांसद साहब आकर इनको बताएं, सच बोल रहे हैं तो भी आप आकर इनको बताएं कि आप उनके लिए मदद कर रहे हैं। सिर्फ हमारी इतनी सी अपील है। जिस सांसद को हमने वोट दिए थे वो ना तो हमें 5 साल पहले दिखाई दिए और ना ही अभी त्रासदी में दिखाई दिए। जब मैं ये बातें बोल रहा था तो मेरी आवाज़ को बीच में दबाया भी गया, परंतु मेरा जो ये पूछा जाना था, सवाल था, वो एक लाजमी था, क्योंकि उनको हमने वोट भी दिए थे और जिन व्यक्तियों को हमने वोट नहीं दिए वो भी हमारी पंचायत में पीड़ित परिवारों के साथ आकर मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द को समझ रहे हैं। और जो किशन कपूर जी हैं वो अभी तक हमें एक फ़ोन तक नहीं किया उन्होंने, पीड़ित परिवार।